Hello friends, welcome back to channel. Today, the day 3, we have decided to explore the Guwahati city today itself because we visited all the places. It's 7 o'clock in the morning and me and Sia are heading towards Guwahati beach. 3 din ho gaye yahan pe, aaj ka tisra din hai. Mar mazze ki baat hai, humne Guwahati beach hi visit nahi kiya, jiske liye hum log yahan pe aaye hain, khas karke the बीच विच आई लव लॉट. सो आज का प्लान है यहीं पे जो प्लेसेस है टेम्पल से विजिट करेंगे. शाम को अंजनवेल लाइट हाउस ट्राई करेंगे, क्योंकि उसका टाइमिंग कुछ ऑड है, 3 से 5 है और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर है. सो 3 से 5 है, तो यहाँ पे सनसेट होता है 5:30, 5:45 को समथिंग, तो उसने टाइम पे वापस यहाँ पे आ जाना है. तो लेट्स सी, सब चीज़ें मैनेज होती है नहीं होती है. ऑल्सो डू लेट मी नो अगर आपको ये गुआगर के व्लॉग अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे. तो आपको एक प्लेस दिखा रहता हूँ जो रोड में राइट यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल है. लेट मी शो यू. वहाँ से हम आए और अभी हम जा रहे हैं यहाँ. सो फ्रेंड्स, एज एक्सपेक्टेड, फुल्ली क्लीन एंड ब्यूटीफुल बीच. मेन रीज़न ये ब्रिज क्लीन क्यों है, क्योंकि गुहागढ़ सिटी में अल्कोहल इज़ बैन. सो वो मेन बेनिफिट है. यहाँ पे आपको कोई कचरा, दारू की बोतल, बियर के टिक कैंस पड़े हुए ऐसे नहीं दिखेंगे, टोटली क्लीन रहेगा. जो भी कचरा रहेगा, जो प्लास्टिक और जो भगवान की चीज़ें जो समुद्र में डालते हैं उतने रहेगा, और उतने भी यहाँ पर नहीं मिलती है. तो वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गुहागढ़ ग्राम पंचायत, हैंड्स ऑफ टू यू. बिकॉज ऑफ दिस वी कैन इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल 7 किलोमीटर लॉन्गेस्ट बीच. ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, जस्ट कल रात को कल का जो खाना था वो हमने लिया था होटल अन्नपूर्णा में, जो नॉर्मली वहीं पे मैं लेता हूँ. क्योंकि अगर आप गुवागढ़ आ रहे हो तो बेस्ट ऑथेंटिकेटेड कुकरी फूड की टेस्ट लेनी है, तो आई डेफिनेटली टेल यू गो टू होटल अन्नपूर्णा. बेस्ट फूड आपको मिलेगा, हर तरह की डिश है वहाँ पे. आपको मटन से लेके चिकन से लेके फिश में वेरियस टाइप ऑफ फिश की डिश मिलती है वहाँ पे, तो आप इन्जॉय कर सकते हो. ऑल्सो वहाँ पे जो ओनर है उनका नाम है श्याम सर, उनसे मैं कल मिला, बहुत सारी बातें हुई. बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ राइडर, बहुत टाइम से राइड कर रहे हैं, हैंड्स ऑफ टू देम. बिकॉज उस टाइम की कंडीशंस में रोड अच्छे नहीं थे, बाइक अच्छी नहीं थी, जैसे हमको स्पोर्ट्स शूजर जिस तरह की बाइक्स मिल रही है अभी, उस टाइम ऐसी बाइक नहीं थी. तो उस कंडीशन में उन्होंने बहुत सारी जगह पर एक्सप्लोर किए, राइड्स किए अपने ग्रुप के साथ. यहाँ पर भी वो उनका एक राइडर का ग्रुप है फॉर गुवागढ़ राइडर्स. तो बहुत सारी बातें हुई, हम सब बातें अगर आप किसी के साथ शेयर करने बैठूंगा तो पूरा व्लॉग खत्म हो जाएगा. सो एक रिक्वेस्ट थी, जब भी आप आओगे होटल अन्नपूर्णा, रिमेंबर दैट, उनकी लिंक चाहिए तो मैं आई बटन में दे दूंगा. अभी वहाँ पे रूम्स अवेलेबल भी है, पहले रूम्स अवेलेबल नहीं था, ओनली होटल्स था. तो अभी वहाँ पर नए नए रूम्स ओपन किए गए, AC, non-AC, 4-bed, 2-bed, बहुत सारे वेरियंट्स अवेलेबल है. मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं वहीं पर डिसाइड कर लेता अदर देन दुर्गापल. Guys, just look at the how clean water is. Wow, that's why I love the Guwahati beach more. तो आप देख सकते हो कितना क्लीन है ये पानी. I've got this. क्या ये भाई साहब बाहर आएंगे? Let's see.
Friends, it's 9 o'clock. You can see nobody is here. दूर दूर तक कोई नहीं है. It's just like a private beach for me. Look, दूर दूर तक कोई नहीं है. And we just made a beautiful photo over there. Let me show you. Around 2 hours हम लोग ने spend किए यहाँ पे. We enjoy a lot. That's our name. This is the beautiful fort which me and my wife made. Small Shivji's pind. And how can I miss this one? Here it is. Sagar's life. Time to leave this beautiful place. Wife and daughter already gone. Bye bye. देखते हैं शाम तक आप ऐसे ही मिलते हो या नहीं. बिकॉज आई हैव प्लान टू कम हियर टू कैप्चर ब्यूटीफुल सनसेट. व्हाट अ टेक्निक गाइस, ही रिमूविंग दैट ऑल द सुपारीज. ओह भी है दो दो, एक यहाँ पे एक स्पेड पे और यहाँ पे. ओ अरे रे बाप रे, इट्स ऑल्ड ओवर. इतना बड़ा गिर गया है, आपको दिखा देता हूँ. Isn't it that cool? इतनी इजीली उन्होंने क्लाइंब कर दिया, नीचे आ गए. यार हम तो सोच भी नहीं सकते थे कितनी प्रैक्टिस रिक्वायर होती रहेगी इस सब के लिए. These are the fruits that this uncle removed from that tree. We call it supari. We normally use in पान और घर में जो पूजा रहती है उसके यहाँ पे जब यूज़ करते हैं सुपारी, वो सुपारी. तो एक महीने तक इसको सुखा के 3 लेयर रहते हैं उसके ऊपर के छिलके वो रिमूव करके रखते हैं और फिर उसको बेचते हैं. वाओ कितनी मेहनत लगती है और हाउ टॉल द ट्रीज आर. सो फ्रेंड्स, करेंटली आई एम एट श्री वैडेश्वर टेम्पल. बहुत बड़ा टेम्पल है, आप पीछे देख सकते हो. यहाँ पे अंबिका देवी का टेम्पल है, हनुमान जी का है, परशुराम जी का है, गणपति बप्पा का है और मेन भगवान जो है श्री महादेव जी का पिंड है. यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पल. सो बहुत अच्छा टेम्पल है. वेन एवर यू गाइज कम टू गोवा घर टू विजिट. अभी अंदर से एक्सप्लोर नहीं करूँगा बिकॉज रिकॉर्डिंग नॉट अलाउ, मगर मैंने अंदर से पूरी तरह से टेम्पल कवर किया है. उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड किया है अपने चैनल पे ऊपर, तो उसकी लिंक अभी आई बटन में आ जाएगी. यहाँ पे देख लीजिए इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड. सो फ्रेंड्स, करेंटली हैव रीच श्री वाळुकेश्वर टेम्पल. It's located in the village next to Guwahgarh, that is Arsoli. Have beautiful location here. वहाँ पे sea है और ये temple है. Wow. Let's see whether we are allowed to record inside or not. I don't think so. फ्रेंड्स, टेम्पल बहुत अच्छा है, बहुत क्लीनली मेंटेन किया हुआ है आप देख सकते हो. और जो श्री महादेव जी का आइडल है, जो पिंड है, बहुत ब्यूटीफुल है. आप अगर आते हो गोवागर में देन प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस. इट्स ऑसम मैन, रियली फील्स लाइक अ ब्लेस. चलो अभी टेम्पल के बाजू का एरिया देख लेते हैं. दैट इज़ द सी. Here all the history of this temple. Let me show you. Let's see what we have on this road. Oh. Hi.
Oh, wow, we have a small lake. And what is this? This is whale. Oh man, agar main niche nahi aata to ye sab beauty miss kar deta. Thank God I came down here. ओहो, यहाँ पे और एक छोटी वेल है, बहुत गंदी है, मेंटेन नहीं किया है वो. पानी भी यहाँ का लेक का बहुत गंदा है, दे हैव नॉट मेंटेन प्रॉपरली. रोड यहाँ से भी है, आप यहाँ से भी आ सकते हो अगर आप मंदिर से नहीं आ रहे हो तो. आई थिंक इट्स अ स्मशान भूमि. ओ राइट, इट्स अ स्मशान भूमि. आई जस्ट सॉ ऑल दिस वुड्स एंड वहाँ पे है वो. वी हैव पपीज. ओहो, स्मॉल स्मॉल पपीज. Hello, how are you? Hey buddy, hey buddy, hey buddy, hey buddy, hey buddy, hey buddy, come, come, come. Come, 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 come. He's not in the mood. यहाँ पे भी एक है, और एक यहाँ पे है. वहाँ पे स्टेयर्स बनाई है. And we have beautiful sea here. क्या यार जगह है यार. अपने पास सी है. ऑसम. अभी हम अपने पहले देख लिया, हम लोग वहाँ पे गए थे मच्छी मार बीच में. वहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम लोग घूम के असोली विलेज आ गए. कुआगर जो है उस चीज के पीछे के साइड की तरफ है. यहाँ का भी पानी आप देख सकते हो कितना क्लीन है यार. जस्ट लिसन दिस ब्यूटीफुल साउंड मैन. कितना कानों को अच्छा लगता है इस पानी का आवाज़. Awesome man, it feels like a bless. Nature, बहुत अच्छी लोकेशन है. सी, ये स्मशान भूमि, फिर टेम्पल, डेड बॉडी ऑफ क्रैप. फ्रेंड्स प्लीज डू विजिट दिस प्लेस, इट फील्स ऑसम, जस्ट लाइक आइलैंड. ये ट्रीज देखिए क्या ह्यूज लग रहे हैं. ऑसम कॉन्ट्रास्ट है इस सैंड का कलर और ये ट्री का. फील्स गुड. सो फ्रेंड्स आई रीच अंजनवेल लाइट हाउस. दीज आर द डिटेल्स एंड देर इज अ टाइमिंग. इट्स ओपन एट 3 o'clock एंड टिल 5 PM ओनली. वीडियो रिकॉर्डिंग आई थिंक इज नॉट अलाउ. विल चेक आउट ऑन इनसाइड एंड लेट यू नो. फ्रेंड दिस इज द लाइट ऑफ लाइट हाउस. Guys, look at how narrow the stairs are and how this machinery are. These are all the mechanism. उसके बाद rotate होने के बाद ये rotate होता है. You can see this whole lights gets rotated as per the direction needed. You can see the circuit is on. And this kind of view we get from here. Wow, isn't it cool? That one is a Gopalgarh fort, which I already shown in my previous videos. If you guys haven't seen, the link will be in I button now. Go check it out. There is one also spot. We'll try to discover it there. Let me show you the lights. उन्होंने सभी पर्दों से बंद करके रखा है, क्योंकि इसका जब इस ऑन करते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन इतना जोर से रहता है तो आजूबाजू की आप पूरी जगह पे रिफ्लेक्ट कर लेता है. दैट्स वाई दे ओपन ओनली सम अमाउंट ऑफ पोर्शन ओवर देयर. एंड उस लाइट से सबने की शिप को पता चल जाता है अराउंड 32 किलोमीटर्स की यहाँ पे लाइट हाउस से कि यहाँ पे लैंड है. सो दे कैन टेक देयर डायरेक्शन. This is the information I got from my locals. If it is wrong, then please let me know. 32 kilometers inside. Wow. This is for what? This direction. Only for this direction
एंड उस डायरेक्शन पे भी है जो उन्होंने करंटली कर्टन से ब्लॉक किया हुआ है. लेट मी ट्राई टू शो फ्रॉम दिस एंड. नहीं, यहाँ से बंद ही है. दिस इज द दाबोल प्लांट. ब्यूटीफुल सी. सो दीज आर द ऑल मशीनरी फ्रेंड्स. बैटरी पावर बैकअप. UPS and all the systems. Little switch. So friends, how was that time lapse? Hope you guys enjoy it. So it's 4:20 around, so we took around more than 30-35 minutes to do the photo shoot and the time lapse also. So bahar likha gaya hai ki video recording and photography and everything is not allowed, but aap upar jate hi you can do whatever you want. I give you that assurance because I have done the same. Nobody is there on top, only the ticket collector man was there. उसके बाद ऊपर जाने के बाद आप फोटो वीडियो शूटिंग सब कुछ कर सकते हो. नाउ टाइम टू हेड बैक टू दैट ब्यूटीफुल स्पॉट. सो फ्रॉम लाइट हाउस वी केम हियर एंड दिस इज द रोड विच गोज टू दैट ब्यूटीफुल स्पॉट. रोड बहुत गंदा है एंड माय बाइक इज नॉट अ एडवेंचर वन. इट्स अ स्पोर्ट्स बाइकल सो आई कांट टेक द रिस्क टू टेक इट ऑन दिस काइंड ऑफ रोड. द रोड कैसे रोड है. यहाँ पे डीप वैली है. That is the lighthouse, that is the temple, and look at this deep valley. Oh my god, how deep it is. ये एक mountain है, ऐसे इसमें यह valley है, फिर ये mountain है, फिर यहाँ पे gap है, फिर वो mountain है, गोपालगढ़ fort वाला. And finally guys, we reached that beautiful point. की रे इसका कलर सुपर बन गया है. ऑरेंज शेड है वहां पे, उसके बाद लाइट होते जा रहा है येलोइश एंड देन ये वाइट रेड. ऑसम. यहां से रिफ्लेक्शन वहां पे परफेक्ट. होप सो यू गाइस एंजॉय दिस ब्यूटीफुल टाइम लैप्स. वी हैव वेटेड more than 20 minutes only for those time lapse. So if you like button daba dijiye. Mujhe mehnat karni padti hai aap log ke liye. My little cheetah. So friends, back to Guwahar. Time to capture this beautiful baby in sunset. I'm gonna miss them, yaar. I'm gonna miss it. इसे enjoy करने ही तो आया था यहाँ पे. Let me show you what we found. जो सुबह बनाया था फोर्ट था वो as it is वैसे ही है. तो इस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा. देखिए यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं आता है. इट्स जस्ट लाइक योर प्राइवेट बीच. सुबह हम लोग बना के गए थे सुबह 9 बजे और as it is वैसे ही है वो. वो खड्डा वो यहाँ पे छोटी सी पिंड बनाई थी और ये फोर्ट थोड़ा सूख गया है. किसी ने आके तोड़ा नहीं है उसको. कॉल अ प्राइवेट बीच. जैसे आपकी खुद की प्रॉपर्टी है वो कोई उस चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा. चलो सो नाउ आई विल स्टार्ट द टाइम लैप्स फॉर यू गाइस. सो फ्रेंड्स दे आर वर्किंग. वन इज फॉर टाइम लैप्स. दिस इज फॉर रोटरी टाइम लैप्स एंड वन मोर बैकअप फॉर टाइम लैप्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल सनसेट. होप यू गाइज विल इंजॉय इट. देखिए ज़रा लाइक बटन दबा दीजिए अगर अच्छा लगा तो. तीन तीन डिवाइस लगाया आपके लिए. और ये बीच देखिए बॉस. बीच देखिए प्राइवेट बीच प्लेन. और क्या चाहिए यार दूर दूर तक. आई जस्ट लव इट यार. We'll be right back.
So friends, hope you guys has enjoyed those beautiful sunset time lapse. अगर अच्छे लगे तो लाइक बटन दबा दीजिए. एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी, कोई नहीं है. देखिए स्ट्रेट लाइन में पूरा 7 किलोमीटर लॉन्ग बीच है. यहाँ पे भी है, कोई नहीं है, जस्ट हमारा है खुद का. जस्ट किडिंग. अगर मन करे तो ज़रूर आना गोवाघर में. आप 101% श्योर आप इंजॉय करोगे गोवाघर. इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है. सब तो चीज़ें दिखा दी मैंने इस 3 दिन के ब्लॉग में. सो टुडे इज़ द लास्ट डे इन गोवाघर. टुमारो मॉर्निंग बैक टू मुंबई, बैक टू वर्क. कुछ नहीं, आई लव माई मुंबई. सो एज ऑलवेज टाइम टू क्लोज दिस व्लॉग. इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, जस्ट हिट दैट लाइक बटन दबा दीजिए. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट स्टिल सब्सक्राइब्ड येट. सो दिस इज सागर साइनिंग ऑफ. बाय बाय. अच्छा तो लग रहा हूँ ना मैं, बॉस व्लॉगिंग करनी है. एंड हाउ इज माई न्यू ग्लासेस? डिड यू गाइस एंजॉय इट? टेस्टिंग. वाओ, परफेक्ट फ्रेम आ रही है यार, परफेक्ट. सनसेट होके भी इतना सारा उजाला है.